कि आज मैं आप सभी को देता हूं अपना स्टूडियो टूर। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, ये मेरा बहुत ही तेजी से नहाने का मन कर रहा है, तो मैं फटाफट नहा कर आता हूं और उसके बाद मिलता हूं, ठीक है, बाय। बाकी दोस्तों, वैसे ही मैं सोच रहा था कि आज मैं आप सभी को देता हूं अपना स्टूडियो टूर। जी हाँ, सही सुना आपने, स्टूडियो टूर मतलब टेबल टूर। तो देखो, ये है मेरा एक छोटू सा एरिया, इसको डिलीट मार दो, ये मम्मी का एरिया है। अपनी टेबल साफ करने के चक्कर में मैंने मम्मी की टेबल ही गंदी कर दी। इट्स फनी। और देखो, यहीं से कूद गया मेरा बैड, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ जाके बैठ जाता हूँ, यहाँ पर अपना काम करता हूँ और पिचक यहीं पर सो जाता हूँ, समझ रहे हो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरी टेबल प्यारी प्यारी, इसमें ये वुडन टाइप की एक लुक वाली पलाई लगी हुई है। और ये है मेरा लैपटॉप प्यारा प्यारा, जिस पे एक झूठा सेब बना हुआ है। जब से ये झूठा सेब मेरी जिंदगी में आया है, तब से ही डेली व्लॉग मेरी जिंदगी में आया, क्योंकि जब तक ये झूठा सेब नहीं था मेरी जिंदगी में, तब तक मेरे को एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब एक एक व्लॉग एडिट करने में मेरे को 6-6 घंटे लग जाते थे, बस पूछो मत कि मैं कैसे व्लॉग डालता था। तो जब से झूठा सेब मेरी जिंदगी में आया, तब से काफ़ी आसान हो गया और मैं डेली व्लॉग डाल पा रहा हूँ। अब मेरे व्लॉग 1 घंटे में एडिट हो जाते हैं, तो वाह, मज़ा आ जाता है। तो इसको मैं जब से यूज़ करता हूँ, जब से मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो क्योंकि ये 299th व्लॉग है, मेरे को इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 350 दिन हो चुके हैं। तो अब तक तो एकदम वैसे ही चल रहा है, जैसे जब एकदम नया आया था तब चलता था, आज भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। बाकी मेरे पास है एक हेडफोन JBL के, जिनकी काफ़ी हालत मैंने ख़राब कर दी है यूज़ कर करके। एक्चुअली इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, पर इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, समझ रहे हो। ये देखो, ये प्लास्टिक बॉडी है और ये भी रैक्सीन का बना हुआ है, ये भी थोड़ा थोड़ा उतरने लग गया है। मैं कभी कभी सोचता तो हूँ कि नया मंगा लूँ, पर नया मंगाने का भी मेरे को एक अलग ही आलस आता है। मतलब मेरे को कोई चीज़ नई भी मंगानी होती है ना, तो मैं इतना आलस कर देता हूँ कि मैं कई महीने बाद सोच के मंगाता हूँ। अब जैसे चले जा रहा है, चले जा रहा है, अब जब तक चल रहा है तो चल रहा है, जब तक ये मर नहीं जाएगा ना, तब तक मैं नया नहीं मंगाऊंगा। तो इतना आलस आता है मुझे कोई चीज़ नहीं मंगाने में। बाकी ये है मेरी चेयर, जिसको मैंने यहाँ से घिस दिया क्योंकि मुझे नहीं पता है कैसे घिसा, जैसे भी घिसा, आई डोंट केयर। बाकी यहाँ पर ही अभी मैंने खाली करा है, ताकि मैं अपनी पैर रख सकूँ यहाँ पर रेस्ट के लिए। और मैंने अपनी सारी किताबें उधर ठिकाने लगा दी हैं, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे जैसे कि, तो जो जो सब्जेक्ट के एग्जाम होते जा रहे थे, तो मैं उस सब्जेक्ट की किताबें वहाँ पर ठिकाने लगाया जा रहा था। तो अब जिन जिन सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हो गए मेरे, उन सब्जेक्ट की किताबें यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। अब मेरा बस एक सब्जेक्ट का एग्जाम बाकी है, उसकी किताबें बाहर रखी हुई हैं। बाकी वो मेरा पाउच है जिसमें पेन वगैरह रखे हुए हैं। बाकी नीचे से देखोगे तो मेरे स्टूडियो में इतना ही है कुछ। और यहाँ पर मेरा एक बैग पड़ा हुआ है जो कि एकदम खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अब एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल तो जाना नहीं होता, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है, उसमें सिर्फ मेरा पाउच काम आता है। और मेरे छोटे स्टूडियो में एक आता है छोटी सी ड्रॉर, जो कि है ये, इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह पड़े हैं जो भी एग्जाम दिए थे मैंने उसके, और इसमें पेन वगैरह रखे हैं, उधर कुछ गोप्रो का सामान है, उधर वैसे ही डाटा केबल वगैरह पड़ी हैं। बाकी ये पीरियोडिक टेबल है, ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है, ऊपर मेरी डेट शीट लगी हुई है, ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं सारे इस वाली शीट पर, और ये कुछ ऐसे ही मैंने प्रिंटर टेस्ट करने के लिए एक दो प्रिंट निकाले थे, मेरे को पसंद आ गए तो मैंने चिपका दिए। तो ये था कुल मेरा स्टूडियो, जिसमें कि मैं काम करता हूँ विद माई बेड। और मैं आपको एक RGB लाइट भी दिखा देता हूँ अपने कमरे की, ये देखो, ये है मेरे कमरे की RGB लाइट, इसमें दिखता है एकदम नीला नीला सब। तो अभी फिलहाल आपको नीला नीला नजर आ रहा होगा सब कुछ, अगर मैंने इसको थोड़ी देर और चलाया ना इस वाली नीली लाइट को, तो मेरी सही में आंखें नीली हो जाएंगी। इन नीली लाइटों में मेरा स्टूडियो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, वाओ। तो आप कुछ सिनेमैटिक्स के मजे ले लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नजर आता है मेरा वर्किंग स्पेस। और हाँ, एक चीज तो मैंने मिस कर दी, ये देखो यहाँ पर एक बोल्ट भी है जो कि मैंने खुद पहली बार देखा। और यहाँ पर देखो, पन्नी भी नहीं हटी है इस टेबल की, इसका मतलब अभी तो ये बिल्कुल नई है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर थोड़ा जड़ लग गया, पर ये तो नई है बिल्कुल। वाओ दोस्तों, अभी तक मैंने ये टेबल ढंग से अनबॉक्स भी नहीं करी है, अभी तो इस पर पन्नी भी लगी हुई है, मुझे खुद ही बात पहली बार पता लगी। और ये देखो, यहाँ पर इस पर व्हाइट कलर की यहाँ पर पलाई भी लगी हुई है, नाइस नाइस वर्क। बाकी फिलहाल अभी मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है अच्छी आवाज़ नहीं आती, पंखे की आवाज़ आती है फट 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 फट, तो इसलिए मैं वीडियो बंद करता हूँ। काफ़ी अच्छा टूर हो चुका है मेरे वर्किंग स्पेस का, अब मैं पंखा चलाता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। कपड़े भी चेंज करता हूँ, क्योंकि अभी कल परसों दोबारा पहनी है मुझे, ये तो बस मैंने वैसे ही चेक करने के लिए पहनी है।
ऐसा करता हूँ मैं व्लॉग को भी अभी एंड कर देता हूँ, तो फिर आज के व्लॉग की एंडिंग आपको इन्हीं कपड़ों में देखने को मिलेगी। आप लोग आगे का व्लॉग कंटिन्यू करो। और आज हमारे पड़ोस में से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, क्योंकि पड़ोस वाले घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफी आवाज आ रही है, पूरा घर ऐसे से पापा जी क्या हुआ क्या हो गया, ओ काली छिपकली पापा छिपकली बाकी पापा थी मैन वर्सेस वाइल्ड, सीमेंट गिर गया क्या, हाँ जम जाएगा फिर, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सीमेंट गिर गया, यहाँ पर काम चल रहा है ना, तो पापा गमलों में से सीमेंट निकाल निकाल के बाहर डाल रहे हैं, क्योंकि अभी तो गीला है, फिर सूख जाएगा तो फिर यहीं पर ही अकड़ जाएगा पूरा। इट्स चॉकलेटी नो, वाह सारे पेड़ एकदम हरे हो गए, चमक गए। फिलहाल मैं तो अंदर आ चुका हूँ और मुझे लग रहा है पापा तो पेड़ों में पानी देकर ही आएंगे। यस आई एम राइट, तो चलो फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आई एम रेडी टू गो फॉर अ वॉक, क्योंकि अभी रात की बज चुकी है 10 और राजिया को भी फोन आ चुका है, चलो चलते हैं। तो सॉरी दोस्तों मैं बताना भूल गया कि राजिया तो आज है ही नहीं, राजिया आज कहीं गए हुए हैं, तो उनका फोन कैसे आ सकता है। मुझे ऐसा लगा कि राजिया का फोन आया, पर वो राजिया का फोन नहीं था, किसी और का फोन था। चलो फिलहाल वॉकिंग के लिए चलते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर घूमते घूमते एक शहतूत का पेड़ दिख गया, और मम्मी चाहती है कि यहाँ से मैं मम्मी को शहतूत तोड़ के दूँ। कच्चे हैं मम्मी, कोई बात नहीं यार, शहतूत तो है। नहीं छोड़ दे, हो गया वहाँ तक तेरा हाथ नहीं जाएगा, वो बहुत अच्छा है। लाओ दो है आपके साथ इसी हाथ पे, वो रे ये देखो, पर मम्मी है तो कच्चे, ये देखो मम्मी कच्चे खाने को तैयार है। वाओ देख रहे हैं ना, ये वैसे लाल वाले बहुत मीठे होते हैं, मैंने कितने खाए हैं, तोड़ दो हो जाएंगे लाल, देख ये पड़ा देख, बहुत मीठे हो जाते हैं ये, अच्छे भी होते हैं खाने में। ये दुकान पे नहीं मिलते क्या, मिलते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। ये देखो आइसक्रीम लेने कितनी जल्दी है, वैसे भी नहीं लिए, शीशे नीचे करके ही गाने बजाते हैं, एसी नहीं चलते होगा, थ्रिलर थ्रिलर चार टायर वाला थ्रिलर चलाए हुए ना, तो आदत गई नहीं है, सीधा खोल कर डैश चला गए, चार टायर वाले हो गए बस, और थ्री व्हीलर वाली आदत नहीं गई है। अंदर थोड़े दिन में लड़ी भी लगवा लेंगे नीले रंग की ना, राइस मम्मी इसको खिलाओगी क्या, असली है असली, डोंट टेक टेंशन, अब मैं आराम से आइसक्रीम खाऊंगा, मम्मी ने तो अपनी खा ली, अब मम्मी मेरे को देख देख के चलेंगी। हाँ नमस्ते। और बराबर वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी हो चुका है आज का, ऊपर लेंटर वेंटर डला है तो सारी रात में सूख जाएगा, और यहाँ कुत्ते भी मजे ले रहे हैं रेत में सोने का आराम से, ठंडा ठंडा कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ भी होता है कुत्ते जो बड़े मजे लेते हैं सबसे ज़्यादा, आराम से रात को रात भर सोते हैं। ये रही मेरे हाथ में आइसक्रीम, और अब मैं देखने वाला हूँ KGF, मैं थोड़ी थोड़ी देख लेता हूँ ऐसी 5-10 मिनट की रोज, क्योंकि KGF 1 मेरे को याद ही नहीं, मैंने देखी तो थी पर याद नहीं आ रही, KGF 2 देखने से पहले 1 तो देखनी पड़ेगी ना, लेट्स वॉच इट एंड एंजॉय द आइसक्रीम। बाय, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो। तो बस फिर मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 7:30 बजे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मजे करो। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong?